नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े सरकारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों को लेकर आ गए हम इस वीडियो के अंदर, एक एक करके आपको बताएंगे। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कल हुई बड़ी बैठक के बाद में कई बड़ी घोषणाओं को लेकर नए अपडेट सामने आ रहे, एक एक करके आपको बताएंगे। 10 बड़े फैसलों को लेकर सीएम योगी और पीएम मोदी के द्वारा मुहर लगा दी गई है। सबसे पहले यूपी की जनता को सीएम योगी और पीएम मोदी ने धन्यवाद दिया है। उसके बाद में पहली और बड़ी खबर की बात की जाए यूपी की जनता के लिए, बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फ्री राशन का वादा किया था, उसको पूरा करने पर मोहर लग चुकी है। कल की हुई बड़ी बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट करते हुए कहा कि अब जल्द राशन योजना 5 साल तक बीजेपी सरकार के काल में फ्री मिलेगी, वो भी गरीब और दलित लोगों को। इसके बाद में यूपी की जनता के लिए एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है, योगी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है। पीएम मोदी के साथ हुई बड़ी बैठक के बाद में ई श्रम कार्ड धारकों की 500 रुपये से राशि बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की तैयारी में योगी और मोदी सरकार। पीएम मोदी लगातार ई श्रम कार्ड के लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों पर ध्यान दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से अब योगी सरकार ने इनकी राशि को और दुगुना करती हुई दिखाई दे रही है ई श्रम कार्ड धारकों को। जल्द से जल्द दोस्तों आप अपना ई श्रम कार्ड आधार कार्ड और राशन कार्ड से लिंक करवाएं। अगली बड़ी खबर यूपी के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, आज 14 मार्च की सबसे बड़ी और अपडेट सामने आ रही है पेट्रोल डीजल भावों को लेकर। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार वेट को घटाने की तैयारी में, जहां पिछले कई दिनों से लगातार भाव बढ़ने को लेकर लोगों की असमझ स्थिति दिखाई दे रही थी और कई जगहों से ये भी खबरें सामने आ रही थी यूपी से लोगों ने अपने ड्रम्बों के अंदर स्टॉक करना शुरू कर दिया है पेट्रोल और डीजल को, अब सरकार आधे दाम के अंदर भेजेगी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा बड़ा बयान भी दिया गया है, जिसके चलते योगी सरकार अब बड़े मूड के अंदर नजर आ रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर से, यूपी की जनता के लिए एक और बड़ी खबर है, पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार किसानों के हित में बड़े फैसले ले रहे हैं और अब बड़ा योगी की जनता के लिए बड़ा फैसला ले लिया है। उनको फ्री बिजली देने के वादे को लेकर पीएम मोदी के साथ में बड़े तौर पर मीटिंग की गई है। करीबन 1.5 घंटे के बाद अब यूपी के किसानों को फ्री बिजली मिलने की तय है और इस बिजली बिल पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है योगी सरकार का सबसे ज़्यादा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है वित्त मंत्रालय की ओर से। निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा कर दी है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। पिछली दफा उज्ज्वला योजना के द्वारा मिल रहे LPG गैस सिलेंडरों को अब एक और बार फ्री करने की तैयारी में योगी सरकार, बिल्कुल मुफ्त है और सब्सिडी अलग से दी जाएगी। यूपी की जनता के लिए स्पेशल योजना चलाई जाएगी उज्ज्वला योजना के तहत में। बाकी उज्ज्वला योजना पूरे भारत देश के अंदर चल रही है, लेकिन यूपी की जनता के लिए अब राज्य सरकार खुद खर्चा वहन करके उनके घर पहुँचाएगी सीधे एक SMS पर सिलेंडर। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, यूपी की जनता के लिए एक और नई अपडेट जो सामने आ रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी तौर पर घोषणा करने की तैयारी में यूपी की जनता के लिए। दूसरी बार सरकार लौटने की खुशी में बुजुर्ग महिलाओं को अब बड़े तौर पर पेंशन देने की तैयारी में, 35 साल से लगाकर 60 साल के बीच में हर उस महिला को पेंशन देने की तैयारी में मोदी और योगी सरकार। वहीं आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में, एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है यूपी की महिलाओं के लिए। योगी सरकार सख्ती से प्रोग्राम चलाने की तैयारी में महिला को सशक्तिकरण करने के लिए। वही अगली खबर बड़ी जो सामने आ रही है, यूपी के छात्रों के लिए अब योगी सरकार 3 साल तक इंटरनेट फ्री सुविधा देने की तैयारी में और उनको लैपटॉप दिया जाएगा, चाहे वो 8वीं पास बच्चा हो या फिर 12वीं पास हो। 70% अंक लाने वाले उस हर विद्यार्थी को लैपटॉप और मोबाइल की सुविधा 3 साल के इंटरनेट के साथ में फ्री दी जाएगी, जिसके चलते छात्रों और कॉलेज के स्टूडेंटों की बल्ले बल्ले होने वाली है यूपी के अंदर। पिछले कई दिनों से लगातार सर्वे आंकड़े बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में, यूपी के अंदर क्या कुछ नया अपडेट हो रहा है, जिसको लेकर योगी सरकार ने पीएम मोदी के साथ हुई बैठक के बाद और हरेक राज्यों के अंदर बेरोजगारी को लेकर आंकड़े जिस प्रकार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर योगी सरकार ने अब बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। यूपी के अंदर इसी साल 2022 के अंदर 2 लाख नौकरी देने का बड़ा ऐलान जारी कर दिया है यूपी की सरकार ने। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बड़े तौर पर सवाल उठाने खड़े कर दिए। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में, एक और बड़ी खबर आ रही है सामने यूपी के लिए। यूपी के किसानों और महिला जो खेती करती है उनके लिए बड़ी घोषणा करने की तैयारी में योगी सरकार, अब उनको मिलेगी 300 रुपये की प्रत्येक दिन की मजदूरी। दूसरी और बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है, ईवीएम मशीन घोटाले को लेकर अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से शिकायत दर्ज करवाई है, जहाँ चुनाव अधिकारी के एक ऑडियो वायरल होने के बाद में लगातार
चुनाव की गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए जा रहे थे। विपक्ष की पार्टियां अखिलेश यादव को यहां से भी तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने अब बीजेपी पार्टी पर ईवीएम हैक करने का बड़ा आरोप लगा दिया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। यूपी की महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए अब निर्मला सीतारमण और सुषमा स्वराज ने अपनी बड़ी योजना चला दी है यूपी के अंदर। वहीं आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी की जनता के लिए सीएम योगी और पीएम मोदी ने धन्यवाद देते हुए भी कहा कि अब जल्द अयोध्या के अंदर राम मंदिर और काशी विश्व कॉरिडोर जल्द बड़े तौर पर शुरू करने की तैयारी में, जिससे यूपी नहीं बल्कि अन्य राज्यों से आने वाले आयात निर्यात प्रोडक्ट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। यूपी के नोएडा के अंदर फिल्म सिटी बनाए जाने की तैयारी में योगी सरकार कई बड़े अभिनेताओं के साथ में मुलाकात कर चुके हैं। पिछले वर्ष 2021 के अंदर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुंबई माया नगरी के अंदर कई बड़े सेलिब्रिटियों के साथ में मुलाकात की थी और अब जल्द नोएडा के अंदर फिल्म सिटी बनाए जाने की तैयारी में योगी सरकार ने बड़ा ऐलान जारी कर दिया है। दूसरी बार सरकार बनने को लेकर पेट्रोल और डीजल के भावों में भारी गिरावट को लेकर जिस प्रकार खबरें सामने आ रही है, नितिन गडकरी के द्वारा किए गए वादे के मुताबिक अब सड़कों पर दौड़ेगी आधी रेट के अंदर पेट्रोल डीजल के चलने वाली गाड़ियां, क्योंकि सीएनजी गैस को लेकर नितिन गडकरी और बीजेपी सरकार बड़े तौर पर प्रयोग करती हुई दिखाई दे रही है। वैज्ञानिकों के साथ में भी नितिन गडकरी की बड़ी बैठक हुई है। यूपी के अंदर लगातार प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए कई बड़े फैसले लेने की तैयारी में। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। यूपी की जनता के लिए एक बार फिर योगी सरकार ने दे दी है बड़ी सौगात। महिलाएं जो खेती का काम करती है उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड को सीधे लिंक किया जाएगा बैंक खातों के द्वारा, जिसके चलते आने वाली यूपी सरकार की कई बड़ी योजनाओं को सीधे उनके खातों में पैसे भेजने की तैयारी में योगी सरकार। किसानों को लेकर जिस प्रकार राकेश टिकैत के बयान सामने आ रहे थे, उनको लेकर भी योगी सरकार ने बड़ा झटका दे दिया है। किसानों की बिजली फ्री करने के बाद अब उनके खाते में प्रत्येक माह 1500 रुपये की राशि डालने की तैयारी में, अब उनके जमीन के कागजात सीधे आधार कार्ड और राशन कार्ड से लिंक करने की तैयारी में जमाबंदी को। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में, जहाँ एलपीजी गैस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आप एक एसएमएस कॉल के जरिए अपना सिलेंडर बुक करवा के घर मंगवा सकते हैं। सीधी ऑनलाइन डिलीवरी की जाएगी आपके घर के अंदर में। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। बुजुर्ग पेंशन और युवा पेंशन को लेकर योगी सरकार ने बड़ा बदलाव करती हुई दिखाई दे रही है। महिलाओं की 750 रुपये की पेंशन को बढ़ाकर दुगुना करने की तैयारी में 1500 रुपये तक की राशि को लेकर बड़ी खबर आ रही है सामने। वहीं यूपी के अंदर अब एक कार के अंदर 4 लोगों से ज़्यादा सफ़र करने वालों पर बढ़ेगा खर्चा और उनको लगेगा चालाना चार्ज। यूपी की सरकार टैक्स बढ़ाने की तैयारी में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खाद्य सामग्री के अंदर भारी बढ़ रही महंगाई को कम करने की तैयारी में, खाद्य तेल को लेकर जिस प्रकार भाव आसमान छू रहे थे इसके अंदर अब गिरावट करने की तैयारी में। वहीं योगी सरकार के दूसरी बार बनने के बाद यूपी की जनता जिस प्रकार महंगाई का अंदर बोझ बढ़ रही थी उसको भी अब कम करने की तैयारी में। आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ दोस्तों, हम लगातार आपके लिए यूपी से जुड़ी 20 बड़ी खबरों को लेकर आते हैं और आप हमारे चैनल पर जुड़े रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे शेयर करें और अपने मित्रों के साथ में भी शेयर करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय योगी सरकार।